नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाटरी टाटरी क्या होता है के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। टाटरी टाटरी क्या होता है? टाटरी टाटरी एक टाटयुक्त पदार्थ है, अर्थात खट्टा पदार्थ है। टाटरी को खट्टे फलों के रस द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे बनाने के लिए रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टल और पाउडर का रूप दिया जाता है, जिसके बाद इसे खाद्य पदार्थ बनाने और खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में उपयोग किया जाता है। इसलिए इसे एक अच्छा प्रिजर्वेटिव भी माना जाता है। टाटरी एक नेचुरली मिलने वाला कंपाउंड है, जो कि बहुत सारे खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा इत्यादि। इसका ज्यादातर खाद्य और पा या पदार्थों में फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव की तरह उपयोग होता है। टाटरी के अन्य नाम, टाटरी को नींबू का फूल भी कहा जाता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लेमन साल्ट, लेमन सॉल्ट, सार साल्ट, साउस सॉल्ट, गुजराती में नींबू ना फूल, नींबू का सद भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त टाटरिक, टाटारिक भी बोला जाता है। टाटरी दिखती कैसी है? टाटरी मुख्य रूप से क्रिस्टल की तरह रंग मुक्त दिखाई देता है। यह आपको दानेदार और पाउडर दोनों ही रूप में प्राप्त हो सकता है। इसका कोई अपना खास स्वाद नहीं होता है, साथ ही सुगंध से मुक्त होता है। टाटरी का उपयोग कैसे करें? अगर आपके पास टाटरी क्रिस्टल जैसा हो तो इसे किसी भी खाद्य पदार्थ हमें उपयोग करने से पहले हल्के गुनगुने पानी में डालकर अच्छे से घुलने तक मिक्स करें। वहीं अगर आप टाटरी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे अलग से पानी में मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह आसानी से खाद्य पदार्थ में मिक्स हो जाता है। टाटरी के फायदे। टाटरी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और किडनी के लिए लाभप्रद है। शरीर में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। गले से संबंधित संक्रमण जैसे कि टॉन्सिल की समस्या में यदि इसके पानी से गरारे किए जाएं तो यह इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। यह शरीर में गैस से संबंधित समस्याओं को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है। टाटरी का खाने में उपयोग। टाटरी को दैनिक प्रयोग में होने वाली रेसिपी जैसे कि ढोकला, नमकीन, छेना या पनीर बनाने के लिए, शरबत में, चाट मसाले में उपयोग किया जा सकता है। टाटरी को प्रिजर्वेटिव के रूप में जैम, कैंडीज, जेली में भी उपयोग किया जाता है। टाटरी को ढोकला, पनीर, गोलगप्पे का पानी इत्यादि बनाने में नींबू के रस के बदले भी उपयोग किया जाता है। टाटरी कहाँ से मिलेगी और इसे स्टोर कैसे करें? टाटरी किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। टाटरी को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें ताकि इसमें नमी ना आ सके। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।